उस दिन ही तो हमने चिट्ठी लिखी सांता को और आज सांता से साक्षात मिलना हो गया। देखिए और आप लोगों के लिए भी तो कितना प्यारा विश छोड़ा है सांता ने। आई बेट आपको आज का ये व्लॉग बेहद अच्छा लगेगा क्योंकि आप अपने बचपन में लौटने वाले हो और जिस तरह मैं फ्रीज हो गई हूँ ना, आप भी थ्रू आउट द व्लॉग इसी तरह फ्रीज हो जाओगे। Jeff, my name's Jeff. Thank you so much, Jeff. Well, everybody listening to Love and Light with Mala, Merry Christmas to everybody. Have a happy holiday and be very safe, alrighty? Oh, sweet. Just... Santa ne aap logo ko khud wish kiya hai. Love and Light with Mala. Hi, everyone. Namaskar, adab, sat sri akal. Kaise hain aap sab log? Naye phone se पहला जो सीन शूट हो रहा है दैट इज दिस और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा मैंने आपको पहले पिछले ब्लॉग में जब मैंने अपना ये खुशी आपके साथ शेयर किया और मैंने बताया कि इससे कुछ एक अच्छा शूट मैं शुरू करूं, भगवान ऐसा करे एंड यस ऐसा ही हो रहा है। कि अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, अभी बज रहा है दोपहर का 1:15 होने वाला है एंड आई एम डन विथ सोयाबीन की सब्जी, चावल और साथ में ग्रिल टोमेटो। उधर से हाय। हाय। दोनों ने अपने बाल खोल लिए हैं और बोल रहे कि हमारे बाल पापा ने खोले, तो मैंने इनको बोला तुमने क्यों खोला, बोला मैंने तो नहीं खोला। देखिए तो इस तरीके से ना ये रुपंजल बनने का शौक इन दोनों को भी हो गया। जब तक बाल खोलने का इनको बस ये चाहिए और फिर क्या है ना, टैंगल्ड हो जाते हैं, ये लोग समझते नहीं है। एनीवेज वी हैड आवर लंच, तो अब इन लोगों को रेडी कर देती हूँ। सो वेयर आर वी गोइंग? हम लोग मिलने जा रहे हैं। सो यस एक्चुअली दिस इज एन इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन हंटर्स लैंडिंग। So we are going to meet Father Christmas, Santa. Actually, अभी 1 PM to 2 PM Santa का strolling भी है, तो अभी late हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने cookie decoration की थी ना Halloween में, वहीं पे आ रहा है Santa. So we can click pic. मेरा mobile का inauguration कितने अच्छे चीज के लिए हो गया है कि cute cute Santa के साथ हम लोग जो है मेरा vlog का पहला shoot in this mobile ले रहे हैं, है ना? Amazing. ये लोग जब अपने से ड्रेस पहनना शुरू करेंगे ना, देन आई विल बी लिटिल फ्री। सो हाउ आर माई कप्स लुकिंग? गुड, सो क्यूट एंड सॉफ्ट। सो क्यूट एंड सॉफ्ट। वैसे मेरे सब्सक्राइबर फैमिली में किन किन को ट्विन्स है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा या मैसेज करके बताइएगा। दो दो लोगों को तो मुझे मालूम है जिनके ट्विन्स है। नंदू कम अर्जुन हैंड, बाकी मुझे बताइएगा और क्या नाम रखे हैं आपने उनके। जो वुड बी मॉमीज है मेरे सब्सक्राइबर फैमिली में जिनको ट्विन्स बोला है, आप लोग देख लीजिए ये सब आपके साथ अभी होने वाला है। नादोर के बाल बांध लूं, आप लोग देख लीजिए। टोमेटो ग्रिल भी हुआ है वो भी देख लीजिए, लेकिन मेरे पास जो था वो अदरक और धनिया पत्ती नहीं थी, तो आप जब बनाएंगे इस तरह से ग्रिल टोमेटो, आप लोग तो बनाते ही होंगे, जो लोग नया बनाएंगे आप लोग इसमें चॉप्ड जिंजर पक्का दीजिएगा और लास्ट में धनिया पत्ती, खूब सारा, बहुत टेस्टी लगता है। बट ऐसे भी अगर जिनके पास जिंजर और धनिया पत्ती नहीं है, आप लोग बनाना चाहिए, बनाया था पूरा थाली पता है सब्जी चावल और सिर्फ ही टोमेटो ग्रिल के साथ, बहुत मजा लगता है। ये ग्रिल टमाटर की चटनी इंडिया में मेरे यहाँ हफ्ते में 2-3 बार बनती थी एंड स्पेशली सत्तू के पराठे या लिट्टी के साथ तो ये बहुत अच्छी जाती है। ये यहाँ पर यार मजुमदार ने पहली बार ही ट्राई की और ये सुपर हिट हो गई। लगा ही नहीं कि जैसे हमने ये गैस वाले मतलब में नहीं किया, आंच पे इसको नहीं पकाया, इस तरीके से पैन में थोड़ा तेल डालकर यार मजुमदार ने पतले पतले टमाटर के स्लाइसेस ऐसे काट लिए और कैसे अच्छा जुगाड़ लगाया देखिए। बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि ये इंडक्शन में बना है। साथ में उन्होंने छोटा छोटा सा प्याज, लहसुन और कच्चा मिर्च काट लिया और देखिए इस तरीके से वो उलट पलट करते गए जब तक कि नहीं इसमें ऐसे जलने के ऐसे मार्क्स ना आ गए और स्मेल भी बिल्कुल वैसे ही आ रही थी कि जैसे ये ना गैस के आंच में पकाया हो। तो जब वो टमाटर इस तरीके से डन हो गए तो उन्होंने छोटा छोटा से करके प्याज, लहसुन और कच्चा मिर्च काट लिया। आपके पास अदरक हो तो जरूर दीजिएगा चॉप्ड और धनिया पत्ती, मेरे पास नहीं था। और देखिए अब इसकी शक्ल ये एकदम डन है और इसमें ना ऐसे देखिए जलने के मार्क्स भी आ गए, एकदम बर्न फ्लेवर आ रहा था। बस अब इसको दरदरा मैश करना है आपने और जो सारी कुटी हुई चीजें हैं वो आप डाल दीजिए एक एक करके। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है सरसों का तेल।
सो इसमें जब ये चीजें मिल जाएं, आपको ड्रिजल करना है सरसों का तेल और लास्ट में डालिए हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स और आपका बन गया बर्न्ट और ग्रिल्ड टमाटर की चटनी। और इसको जरूर ट्राई करिएगा, स्पेशली मेरे कनेडियन फ्रेंड जिनके पास इंडक्शन है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। गैस में ये और अच्छा बनता है, फिर भी यार मजुमना ने जुगाड़ लगाकर अच्छा ही ग्रिल कर लिया। ये देखिए तीनों ने एक जैसे ये फर वाले कपड़े पहन लिए, अब सांता मुझे लगता है कहीं इनके पास ना आ जाए। देखिए नंदू को देख लीजिए, पॉकेट में हाथ लेके घूम रहे हैं, बोल रही कमाल या विल गो। सो ऑल रेडी, मजुमदास की सवारी अभी निकल रही है। अभी देखते हैं सांता हम लोगों को देख के शॉक में ना आ जाए ना नंदू। सबसे बड़ा सांता हमारे घर का मिली है आप लोग, ये देखिए यार मजुमदार। आज यार मजुमदार इस दिन सांता मोड रेड और व्हाइट पहन लिया। मेरे छोटे दो कब नॉटी एल्स, एल्स ऑन द शेल्फ, एल्स एट द शेल्फ। अंटा सही में शॉक में आ जाएगा। मैंने कहा ना आपको आज सांता ना सच में सदमे में आ जाएगा। वी आर रेडी बिफोर टाइम, 2:45 हो रहा है, 2 to 4 का टाइम है और ये नीचे ही है अपने हंटर्स लैंडिंग। क्या बोलते पता, आधी बात तो मुझे समझ में भी नहीं आती, मैं हाँ हाँ कर देती हूँ। चलिए अब चलते हैं नीचे, बस अब बूट्स और मास्क वगैरह ऑन एंड देन लेट्स गो। और आज मैंने ये फीडा का नेक पीस पहना है, इयर रिंग्स एंड ऑल मैंने नहीं पहने हैं। सेट टू मीट फादर क्रिसमस, फादर क्रिसमस। हवा है, अच्छी खासी हवा है। नंदू इज टेलिंग आई एम गोइंग टू फ्लाई। ये वाला रास्ता देखिए बंद कर दिया है कुछ, अभी हम लोगों को यहाँ से ये वाला जो बिल्डिंग है इसके यहाँ से बहुत ठंडी है। ये तो हंटर्स लैंडिंग जस्ट नजदीक ही है बोल के मैंने टोपी वगैरह कुछ अपना लिया नहीं, ग्लव्स लिया नहीं। रिमेम्बर वो हैलोवीन में जो इन लोगों की फ्रेंड थी जूलिया, जूलिया एंड हर मॉम दे अराइव्ड। अभी मैसेज आया कि हम लोग पहुंच गए, तो मैंने कहा हम लोग भी पहुंच रहे हैं। पता नहीं ये कंस्ट्रक्शन कब खत्म होगा, जब से आए हैं हम लोग सेप्टेम्बर से तब से कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए ये स्नो हुआ ना, कैसे सारे पेड़, ये मॉन्स्टर आ इतना अच्छा था सारे खराब हो गए। लेकिन अपना जो वहां पे जो हंटर्स लैंडिंग है उन्होंने सारे पेड़ इसलिए लगता है उखाड़ दिए, ये सारे सरवाइव किए हैं, बट वो मॉन्स्टर आ पूरा बर्बाद हो गया। हंटर्स लैंडिंग इज दैट साइड, हमारे घर की तरफ। अभी तो आप लोग भी सब मेरे घर के आसपास की फैसिलिटी में जो है सब आप परिचित हो गए अपने हैलोवीन वीकेंड। Even Julia is familiar with Love and Light with Mala. We are standing in the queue and it's so windy, guys. बहुत ज़्यादा हवा चल रही है. And I'll just show you थोड़ा सा sneak peek of Father Christmas. There is Santa. ये एल्फ भी इतनी प्रिटी थी और ये सबको ना कैंडी केन्स बांट रही थी। So we all have come to Hunter's Landing to meet Father Christmas and very nice. And Jeff, my name's Jeff. How you doing, everyone? Thank you so much, Jeff. Nice meeting you all. We all are excited. Very nice. Enjoy your pictures. Thank you. सो नेक्स्ट जो टर्न था वो हम लोगों का ही था और हवा इतनी तेज थी ना कि मैं इनको बार बार इनके कान ढक रही थी कि कहीं इनके कान वान में दर्द या सर्दी वगैरह ना हो एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। टर्न हैज कम एंड हियर इज द फादर क्रिसमस। हाय 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 एवरीबॉडी, हाउ आर यू, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। थैंक यू। क्रैशिंग थ्रू द स्नो, यू नो व्हाट, हार्ट्स ओपन स्लीव। ओके, यू सिट ऑन माय नी देन। Derek, you gonna get us all in? Watch a candy cane! Yay! Yay! Thank you, Santa. What? Whoop! That one broke. We'll get another, a full one. There you go. Thank Merry you. Christmas. Before we go, मुझे लग रहा है एक बार सांता से और मिलकर आती हूँ। Let me try my luck once. एक बार और मिलके आती हूँ ना, मजा आ रहा है। Santa, I've just come once more. I'm a vlogger and I have a channel, so can you just tell something for my channel, Love and Light with Mala? For everybody listening, Love and Light with Mala, Merry Christmas to everybody, have a happy holiday, and be very safe, alrighty? Oh, sweet! Just love one of everybody! Thank you! Santa, thank you!
माई डे इज मेड। इससे ज्यादा मैं कुछ और मांग नहीं सकती थी। सांता ने आप लोगों को खुद विश किया है एंड यू नो इट फील्स सो गुड सांता के नजदीक बैठकर। आप मतलब बचपन में जो सब सोचा है यू नो एवरीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आई जस्ट से ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स। इतना मजा आया। द सांता इज सो फन लविंग। थैंक यू सो मच। यू टू। और वहां से उतर के ही हॉट पाइपिंग हॉट चॉकलेट सबको ये लोग दे रहे थे एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने अपने लव एंड लाइट विद माला की फैमिली के लिए सांता से विश मांगी और उन्होंने आप सबको ब्लेसिंग्स दी हैं और हैप्पी और बहुत मेरी रहने को कहा है। देयर फ्रेंड जूलिया इज आल्सो गोइंग नाउ एंड वी विल आल्सो गो। ठंडी तो बज रही है, हवा की बालों की हालत देखिए। अब चलते हैं घर। मेरे भी हाथ एकदम लाल हो गए हैं। अब चलते हैं घर। लेट मी एंड दिस व्लॉग हियर। इस खूबसूरत फीलिंग के साथ लेट मी एंड माई व्लॉग हियर। बहुत अच्छा लगा और फोन का शुभारंभ भी हो गया एक अच्छी सी चीज से। क्यूट बहुत क्यूट सांता के साथ। तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए फिर दूसरों के लाइफ में चल रहे। बाय 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 लव एंड लाइट में माला। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और सांता से मिलके एकदम ना बहुत मजा आ गया, सपना सच हो गया एकदम। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने भी अपने बचपन को याद किया होगा। छोड़े जाती हूँ कुछ पलों के साथ। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी दे दीजिएगा लाइक और जो व्यूअर्स ऐसे ही देख रहे हैं करिए सब्सक्राइब। टिल देन लव एंड लाइट विद माला।